श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के बैनर तले आगामी अक्टूबर माह में उत्तराखंड के हरिद्वार में विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी गुरुवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के द्वारा दी गई। गुरुवार को पत्रकारों से मुखातिब हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ट्रस्ट के द्वारा शाही मस्जिद, ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मस्थान भूमि प्रकरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी की जा रही है और प्रभावी पैरवी के चलते सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 3 सप्ताह में इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिकॉर्ड मांगा गया है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 28 और 29 अक्टूबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के बैनर तले हरिद्वार में विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। ये है कि अब अयोध्या हुई हमारी और अब मथुरा की बारी। हमें पूरी उम्मीद हो गई है कि जिस उपदेश से हम लोग माननीय न्यायालय में अपना वाद लेके आए थे, उस वाद की अब अंतिम आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आने वाला है और हमें उम्मीद है कि जो हमारी मांग थी वैज्ञानिक जांच हो, हमारा भगवान श्री कृष्ण जन्म का स्थान पर जो कब्जा किया गया, अवैध कब्जा, क्योंकि जन्मभूमि की जगह है, जन्मभूमि ही ट्रस्ट उसमें भरता है। अभी उनको बिजली कटने का मुकदमा भी हुआ है, वो चोर साबित हो गए हैं, ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है और अब वैज्ञानिक जांच हो जाएगी तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। इस उद्देश्य से हम लोग आपके बीच में आए कि हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में हर तरह से अपने विरोध शाही मस्जिद ईदगाह के खिलाफ दर्ज कर चुके हैं और करेंगे और हमें उम्मीद है कि अब वैज्ञानिक जांच होगा। वैज्ञानिक जांच होने के बाद ये साबित हो जाएगा कि वहाँ जो कुआं है कृष्ण कूप है, भगवान श्री कृष्ण के जो प्रतीक चिन्ह हैं और जो उन्होंने हमारा मलबे के अंदर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएँ और अन्य हमारे जो भी चीज़ हैं वह दबी है, वो सब साबित हो जाएंगे। और इसके अलावा कोई और कार्यक्रम भी आपका? हमारा 28 अक्टूबर 29 अक्टूबर को हरिद्वार में संत समागम होगा, जिसमें श्री कृष्ण सेना और राधा वाहिनी के कार्यकर्ता पूरे देश से जुटेंगे और माननीय बड़े बड़े अपने परम पूज्य संत शंकराचार्य, हमारे महामंडल स्वचार्य महामंडल सभी उसमें उपस्थित रहेंगे। वहाँ से एक शंख नाद होगा कि अब मथुरा का बारी है, मथुरा में अब हम लोग जन्मभूमि को मुक्त कराएंगे और इस ढांचे को हटाने का न्यायालय से वक्त आ गया है।